दोस्तों, जुनैद का सलाम कबूल करें। इस वक्त आप धनक देख रहे हैं, नंबर वन प्रोग्राम ऑन टेलीविजन। पर थी मगर क्या उफ। अच्छा, खैर, हम आपको अपने एक एंटरटेनिंग कैरेक्टर से मिलवाते हैं। हाँ जी असमा जी, आप लोगों का सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है? इनका कौन सा है? इसके बाद यस जी जनाब, वी हैव द फेमस फैशन डिजाइनर फ्रॉम फैसलाबाद, मैडम साइमा चौधरी। लो जी फिर अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या है निचम्मो, तू इधर किधर है? तो तू तो फैसलाबाद में होती थी। नाले बात सुन, तू बड़ी अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रही है, एवं छोड़ दी ना बन। इधर के लोगों को बड़ी अंग्रेजी आती है, इधर तो कुत्ता कुत्ता इंग्लिश, बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलता है। और पता कितना औखा काम है अंग्रेजी बोलना, जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो कूड़ा भी नहीं फेंक सकता। असं तो कट्टा सुट के मारने बाहर, इधर तो रिसाइकल, तो ट्रैश, तो क्या नाम है, ऑर्गेनिक, तो स्यापा, तो तू कितने आवड़ी है? ओहो एक्सक्यूज मी साइमन जी, कैसे बातें कर रही हैं आप? मैं चम्मू नहीं हूँ, आपको गलत फहमी हुई है। प्लीज़ थोड़ी सी डिसेंसी दिखाइए आप। अच्छा ये बताएं, यहाँ कैसे आना हुआ? कपड़ों के बगैर तो नहीं आई ना? हाय हाय, हाथ मार कर कल्लू कैसी बातें कर रही है? कभी कोई पाकिस्तानी लड़की बगैर कपड़ों के कहीं जाती है भला? और वो भी फैसलाबादी। Oh, I didn't mean that. मेरा मतलब ये है कि वो आपके जो कपड़े होते हैं, डिजाइनर कपड़ों की बात कर रही हूँ, एग्जीबिशन वाले। अच्छा अच्छा, वो तो वैसे मैंने रख लिए थे, लाई थी, पर वापस दिखा के ना सहमा दे लिशकारे, मैंने वापस रख लिए थे बक्से में। Excuse me, क्या मतलब वापस बक्से में? हाय वड्डी अंग्रेजी, तुझे आता मतलब एग्जीबिशन का? क्यों नहीं आता, एग्जीबिशन मतलब नुमाइश। पर नुमाइश करके मैंने वापस रख लिया, मैं तो अपना दुपट्टा ना दूं कभी किसी को। बकाइश नहीं थी, नुमाइश थी वो सिर्फ, इतना ही बड़ा। अच्छा ये बताइए, आप इतनी दूर अमेरिका अकेले आके चौधरी साहब को भी ले आती ना? तेरा तो दिमाग खराब है छमो, कैसी बातें कर रही है? अपने अमान से बता, तू कभी 5-star होटल में गई है? तो लंच बॉक्स में मूलियों वाले पराठे कभी लेके गई है? मुझे सोचा सोची पे बंदा गया सोचने वाली कौन सी बात है हमारे पट्टे घट के पैसे थे। तो चॉइस साहब की प्रेशर कुकर की फैक्ट्री चल रही थी, मैंने कहा चलो अमरीका जाऊं। आई तो मैं इसलिए देखने आई कि इधर सारे गोरे जो है वो क्या मुंह के ऊपर मलते हैं, जिसको देखो गोरा चिट्टा, तो नाले उंगलू गोश वर्गी उनकी शक्ल है, हमें भी वो क्रीम चाहिए। हम तो सारे फिटे मुंह ही हैं। अच्छा ये बताइए, आपको पहले सियासत में दिलचस्पी थी बड़ी, एक बार आपने इलेक्शन में हिस्सा भी लिया था, हार भी गई थी ना? हाय हाय, हारी तो मैं इस वजह से थी कि ताकि वो बेवफा जीत जाए। ओ अच्छा, तो इमरान खान? हाँ है, ना करनी उसका नाम ना लें, मेरे से जेल की सख्तियाँ नहीं बर्दाश्त होनी, रहन दे, बड़ी गर्मी होती है उधर, मच्छर भी काटते हैं, चुप कर जा। नहीं उसका नाम ना लेना, बस तू कह दे कि जमायमा का एक्स। अच्छा अच्छा ये बताइए कि जमायमा कैसी लगती थी आपको? हाय बड़ी बीबी जनानी थी बेचारी, नमाणी सी, ना किसी को अंग्रेजी आती थी ना उसको उर्दू है, तो पाकिस्तानी का तुम्हें पता है ना कि बोंगियाँ ही मार देने, हर कोई उससे पूछा था खेवा हार्ड व्हाट डू यू डू, तो हार्ड डू यू डू, एक पूछने वाली गल है। बेचारी नीवी नीवी होके चलेगी थी भी, वैसे ऐसी जैसे वो नहीं होती अपना होम्योपैथिक दवाई जिसका फायदा ना नुकसान। वैसे एक बात बताऊं आपको, यहाँ आप उनका नाम ले सकती हैं, यहाँ कौन पकड़ेगा आपको? इमरान खान आखिर हमारी वीडियो वायरल हो जानी है, मैं तो इधर बैठी हुई हूँ, उन्होंने चॉइस आपको पकड़ लेना, डोली विक्की को भी ले जाएंगे पकड़ के, तो नाले चौधरी साहब की तो खैर वो चौधरी जहूरी लाई परवेज लाई के साथ रह लेंगे, लेकिन डोली बड़ी कमीनी है, उसने तो 2 मिनट में सारे राज उगल देने हैं, मेरी उम्र भी बता देनी है, रहन दे तू। अच्छा ये बताइए कि अगर
वो दोबारा पावर में आए तो आप उनकी पार्टी ज्वाइन करेंगी? हाय सदके जावा ते गोरियां गोरियां बावा उसकी पार्टी की तो टी पार्टी बना के अगले सड़ूक गए हैं पी गए हैं। हाय नाले मैं आपा फरदौस आशकवान हूँ जड़ मुड़ मुड़ के वापस जाऊँ उसकी पार्टी में रहन दे। वैसे आपको वो फरदौस आशकवान कैसी लगती है? वैसे मैं तो हैरान हूँ ले कसम हर पार्टी को उसकी जरूरत होती है इतनी हैंडसम औरत है वो पता हर पार्टी की वर्करों की गिच्ची नाप लेती है वो। मतलब क्या मतलब आपने इसका ऐसी बातें नहीं करें बुरी बात बड़ी ताकतवर सियासी लीडर तूने देखा नहीं मुस्तहकम पार्टी वो जो कच्ची 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 का पार्टी उसका नाम क्या मुस्तहकम पार्टी उसके जो वर्कर थे उनके मफलर थे ना उनके गिरद गर्दन के नाप ले रही थी वो। वाह वैसे एक बात मैंने सुनी उसके बारे में अल्लाह जाने सच्चा के झूठ है अल्लाह जानता है हमको क्या पता। क्या 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 बताए बताए। मैंने सुना कि उसका एक ट्विन ब्रदर है वो कहते हैं ना आइडेंटिकल उसकी शक्ल का तो जब आप फरदौस आशक अवान थक जाती है ना जरा तो वो उसकी जगह मेकअप करके चला जाता है बंदा बहनों के लिए इतना कर ही लेता है चलो कोई नहीं फिर। अच्छा प्लीज आप ऐसी बातें ना करें मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है। वैसे कसमें मुझे यकीन है तू छमो ही है मैं तुझे पहचान गई फैसलाबाद में हमारे मोहल्ले में रहती थी नुक्कड़ में जब तंदूर था उसके ऊपर जो चवारा था वहाँ तेरा घर था साटन के उन्हें शलवार पहनी होती थी मुंह उठा के हमारे घर आ जाती थी कभी कहती थी दाल दे दो कभी कहती थी चावल दे दो तो कभी पत्ती तो कभी चीनी किन किन मुल्कों में आप अपनी एग्जीबिशन लेके गई हैं? एग्जीबिशन लेके तो मैं फिरती रहती हूँ बड़ी मेरी नुमाइशें होती हैं। मैं अपना क्या नाम है पिछले महीने में गई थी 35 तारीख को पेरिस। अच्छा पेरिस तो कैसा रहा? सारे कपड़े मेरे बिक गए उधर मेरे पजामे इतने हिट गए हैं ना मैंने सारे पजामे पेरिस के लोगों ने खरीद लिए थे मैंने क्या किया इधर की सिलाइयां ही नहीं लगाई और जनाब उधर तो हवा हवा ए हवा खुशबू सारे खरीद लिए पेरिस के लोगों ने फ्रेंचों ने। खुले, अच्छा, खुले। पेरिस जाने का कैसे सोचा आपने? पेरिस का असल में हुआ ये कि मैं नारोवाल पत्तोकी के रूटों पर मेरी एग्जीबिशन लेके जा रही थी किसी ने कहा अगे अद्धा घंटा होर जावे तो पेरिस आ जाएगा मैं चली गई। ओह अच्छा अच्छा तो पेरिस गई आप तो फिर शांजेलीजे तो गई होंगी? गई थी मैं बड़ी बदतमीज है दोनों बहने मैं गई तेन सलाम ना दुआ सीधी उत्ते कमरे चढ़ गई मां ने छोटे बड़ी तमीज नहीं सिखाई दफा कर हद हो गई। वैसे शांजेलीजे जो है ना वो पेरिस की एक मशहूर जगह का नाम है देख ले आप लोग देख ले रहन दे तू आना तेन पता कभी गई हो तो पता लगे ना तुझे क्या पता एवं है तू वही छम्मा में तो अच्छी तरह पहचान गई हूँ अल्लाह कसम मैंने फैसला बाद में तुझे तो बड़ी दफा देखा वे जुए भी निकाली हुई तेरी मुझे याद आ गया। नहीं बस कर दे बस कर दे बस कर दे बड़ी हो गई। हाँ हूँ मैं छम्मो जा मेरा करना जो कर ले। अब मैं आपको बताऊँ इसकी हकीकत ये बड़ी डिजाइनर बनी फिर दी है ना ये वहां पे मशहूर थी फमीदा लच्छो बांदरी और गेंजे के चुपने वाले सूट बना बना के बेचती थी और मेरे भाई को इशारे भी करती होती थी अल्लाह पाक की कसम ज्यादा बात की ना मैंने यहाँ पे इमिग्रेशन में तेरी शिकायत लगा देनी तेरा वीजा कैंसिल करा देना मैंने। और हाँ एक और बात बताऊं नवाज शरीफ शराफ शरीफ का सारा पैसा इसके पास है लुट के भागी भी है वहां से आई वड्डी फमीदा डिजाइनर और बताऊं मैंने बस कर दे आई एम सॉरी इट्स ओके चल कीप द चेंज थैंक यू।